देश की आदर्श नारी सीता नहीं द्रौपदी हैं, टीलाचंद यादव। महाभारत के विजेता पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भारतीय समाज में आमतौर से सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि उन्होंने पांच पुरुषों को अपना पति माना था। लेकिन अब द्रौपदी को उनका उचित सम्मान दिलाने के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट खिलाचंद यादव सामने आ गए हैं। खिलाचंद यादव कहते हैं कि द्रौपदी के दिए गए बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज को अपनी बेटियों का नाम द्रौपदी के नाम पर रखना चाहिए। अज्ञानता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस देश की आदर्श नारी सीता नहीं है, द्रौपदी है। वो आप पूछे हैं कैसे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि द्रौपदी कोई कसूर नहीं था, उन्होंने तो वरमाला अर्जुन को डाला था। लेकिन माँ का आदेश हुआ पांचों बांट लो, उसमें पांचों की पत्नी बननी पड़ी उन्हें, तो उन्होंने एक माँ का सम्मान किया। उनकी कोई गलती तो थी नहीं उसके अंदर, क्योंकि औरत जो सबसे सुंदर रूप होता है माँ का होता है। माँ का सम्मान द्रौपदी ने किया, पांचों पति मान लिया। जुए में युधिष्ठिर हारे थे, अर्जुन नहीं हारे थे, नकुल सहदेव नहीं हारे थे। जब उनके पांच पति थे, एक पति के हारने के बाद भी वो पेश की गई सभा में कपड़े उतारने की वाली बात, वहाँ तत्री उठाया उसने। और दूसरी बात एक बड़ी और बता दूँ आपको रघुवीर साहब, कि जब ब्याह हो गया पांचों के साथ मान्यता हो गई, तो कृष्ण भगवान बहुत परेशान थे। द्रौपदी स्वयं मिलने गए, द्रौपदी कृष्णा कहा करते थे, कहें कृष्णा एक जिम्मेदारी के लिए मैं सौंपने तुम्हारे पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा भैया बोली क्या ऐसी क्या बात। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पांचों पति हैं उनका जोर संसार में बिल्कुल नहीं है। अर्जुन के बाण से आसमान कांपता है, भीम गदे धरती हिल जाती है, युधिष्ठिर अगर जुबान खोल दे तो बड़े बड़े सम्राटों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, इतने बहादुर हैं। और इन्हीं को लेकर के मुझे हस्तिनापुर का युद्ध करना है कुरुक्षेत्र का। और अब तक जितने भी झगड़े हुए हैं आपस में, या तो संपत्ति के लिए या तो औरत के लिए, आप पांचों की पत्नी है, कहीं आपकी वजह से भाइयों में कोई विवाद न पैदा हो जाए, इसे बहुत डर है। इस युद्ध तक और इसके बाद भी आपको इस विवाद को बचाना है, पांचों को संभालना है। द्रौपदी इतना बड़ा काम किया कि पांचों पतियों को संभाला, घर को संभाला। जिस युद्ध के लिए कृष्ण परेशान थे, जिसमें सारे संसार के दुष्टों का विनाश होना था, उसके लिए जो भूमि तैयार हुई, उसमें बड़ा योगदान रहा द्रौपदी का। तीसरी बात, भरी सभा में खींच रहे हैं उसको। और आखिरी चीज बताना चाहूँगा आपको एक नकवी साहब, कि जब पांचों भाई युद्ध के बाद हिमालय पर स्वर्ग की तैयारी कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, तो पांचों आगे आ गए थे, द्रौपदी पीछे चल रही थी। द्रौपदी का पैर बर्फों में फंस गया, उसने आवाज़ लगाई मुझे संभालो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, कोई मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि मुड़ के देखने पर हमारा यज्ञ खत्म हो जाता है और फिर हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। वो बर्फ पे फंसी रह गई। क्यों क्यों नहीं मुड़ के देखा उन्होंने? इतनी कुर्बानी करने वाली औरत, जिसने पाँच पाँच पतियों को संभाला हो, पूरे समाज में अपमान झेला हो, आज भी लाखों लोग धरती पर हैं हिंदू लोग सीता सावित्री अपनी बेटियों का नाम रखते हैं, पर कोई भी अपनी बेटी को द्रौपदी नहीं रखता है। उसकी कुर्बानी कहाँ गई? मैं तो ये निवेदन करूँ कि इस मुल्कों को द्रौपदी को पहचाने, समझें और ये कोशिश करें कि अपनी बेटियों का नाम भी द्रौपदी रखें, इससे कोई बुराई तो नहीं। लेकिन ये अकेले थोड़ी मैं सफल हो जाऊँगा, अगर सब लोग साथ देते हैं तो मैं हार भी नहीं सकता, ये सफलता मिल सकती है।